में आया हूँ चांगोदर में एक वेयरहाउस यूनिट देखने। ये 1,15,000 स्क्वायर फीट का ये शेड है, पूरा ब्यूटीफुल बनाया हुआ। सेंटर हाइट इसकी 12 मीटर की है, तो सेंटर हाइट 12 मीटर्स और साइड हाइट 9 मीटर की है, तो साइड हाइट इज़ 9 मीटर्स। 16 शटर्स है इसमें लगे हुए, 16 डॉक्स है, पूरा इंसुलेटेड वेयरहाउस है। यहाँ पे पूरा रूफ पे इंसुलेशन किया हुआ है, साइड में इंसुलेशन किया हुआ है। इसका फ्लोर टन कैपेसिटी अराउंड 7 टन्स पर स्क्वायर मीटर। दस टन क्रेन की कैपेसिटी के पिलर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, क्रेन इंस्टॉल नहीं की है बट कर सकते हैं। फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए। एयर वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, नेचुरल लाइट के लिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट शील्ड्स लगाई गई है जो लक्स लेवल बढ़ा देती है इसका एज पर द स्टैंडर्ड नॉर्म्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेन इंस्टॉल करने की कैपेसिटी के रॉड्स लगे हुए सारे। तो ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, काफ़ी हेवी स्ट्रक्चर किया हुआ है इसका। ये एक वेयरहाउस से ज़्यादा एक इंडस्ट्री के लिए काम आ सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, इंजीनियरिंग यूनिट हो। चारों साइड काफ़ी बड़ी स्पेस दी गई है लोडिंग अनलोडिंग के लिए और काफ़ी अच्छा व्हीकुलर मोमेंट भी हो सकता है। ये देखिए पीछे दूसरा एक गेट दिख रहा है यहाँ पे, ये सेकंड इसका एग्जिट गेट है। सो इन ऑल 2 गेट्स है यहाँ पे इन एंड आउट के लिए, जो इसको काफ़ी एक अच्छी प्रॉपर्टी बना सकता है। चारों साइड फायर हाइड्रेंट सिस्टम घूम रही है, सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है ये। इस यूनिट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, काफ़ी हेवी स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। और जिस तरह की एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ दी गई है, प्लिंथ है जिसकी 2.5 मीटर की है, 2.5 से 3 मीटर की, तो काफ़ी और ट्रक लोडिंग अनलोडिंग के लिए काफ़ी आसान हो सकता है। इन ऑल देर आर 4 to 5 गेट्स, 3 गेट तो रोड साइड है, एक पीछे की साइड है, तो टोटल 4 गेट है यहाँ पे इजी ट्रैफिक मूवमेंट और व्हीकुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इस यूनिट की किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और 9510395103 ये मेरा मोबाइल नंबर है। थैंक यू।